Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitva Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charano Dayam Gopi Jano Samayutam Binda Vanam Manoharam Vanchakalpataruvasya kipasindu bevacha Patitanang pavanebha vaishnavebhyo namo namah Mukam karoti vachalang pangung langhaiti girim Yat kipatamahang vande paramananda madhavam Vrindavai tulsidebhai piyavai kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Svatva Vattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Devin Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshi Gauri Apatraisho Prakasanicha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadakha Jagat Barayana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Bhetatiham Panatapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charana Rabindam Yat Pada Pallavanaka Channamani Chataya Vispurujitakimapigapavadusvadarsi Purnana ragrasa sagra saramati Tharadhikamai kadakipam karot Sri Krishna Chaitanya Prabhunittananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. Ajana lambita bhujau kanaka badato, Sanketanai kapitaro kamala yutaksha. Vishambaro dijabaro yogadharma palo Bande yagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Ram Hare Jayati Te Dhikam Janmana Braja Shrayata Indira Shashada Trahi Daita Dikshatam Dikshatabhaka Tai dhita sabo tvam vichinbate Jayati te dhikam janmana braja Srayat indira shashada trahi Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ji ko भक्तों लोग में प्रश्न किए श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को भक्तों लोग प्रश्न किए प्रभुपाद हमारा जो गुरु तत्व है गुरु जी गौड़ीय विचार के अनुसार हमारा गुरु जी को राधारानी समझ सकता है राधारानी चिंता कर सके प्रभुपाद बोले यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा
ऊंचा होके दर्शन करो तो गुरुजी राधा रानी छोड़ के तो दूसरा तत्व है नहीं। गुरुजी राधा रानी तो राधा तत्व है। इसके विचार के लिए बहुत समय चाहिए। मैं बड़ा दुखी हूँ इतना गहरा तत्व को इतना जल्दी बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ। बड़ा दुखी हूँ। सुबह में भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जो भी है वैष्णव लोग का आदेश पालन करने के लिए बैठा हूँ। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं राधा रानी निष्किंचन धन। राधा रानी करोड़पति वाला हिम्मतदार इसी का धन नहीं है। राधा रानी निष्किंचन गौड़ीय वैष्णव का धन है। कोई अहंकारी आदमी धनवान किसी भी हालत से राधा रानी का चरण का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में पहला स्कंध में कुंती देवी ने सुंदर बताई थी, जन्म ईश्वर्यो सुतो शिवी रेधमान मदहापमान नैव अर्हति अविदातुम वई तम किंचन गोचरम। ठाकुर जी को बताए जे जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एधमान मदहापमान। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री ये सब में भरपूर अहंकार आ जाता है बद्ध जीवों का। थोड़ा सा देखने सुंदर है रूप चर्चा करने बैठ जाता है, उसको पता नहीं दो दिन बाद तो पिघल जाएगा। तेरे के तो ससान में ला के एकदम लकड़ी दे के जलाया जाएगा। क्या शरीर का चर्चा कर रहा तू? इसलिए विद्या थोड़ा बहुत रह जाए। ठाकुर जी विद्या भी सब कोई को देता नहीं। विद्या देता है वो जाने अहंकार हो जाएगा, मूर्ख बन के रह जाए, देता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए श्री राधा रानी राधा चरण निष्किंचन जनों का एकांत धन है। निष्किंचन किसको बोला जाता है महाराज? जिसका जिंदगी में राधा रानी का चरण छोड़कर अर्थात गोविंद चरण छोड़कर कोई जिसका दिल में कोई भावना है नहीं, तमाम प्रचेष्टा तमाम प्रयास जुगल सरकार की संतुष्टि विधान के लिए जिनके जीवन जौवन जो कुछ भी है निछावर कर दिया उनको ही निष्किंचन माना जाता। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, मेरा गुरुपाद पद्म परमहंस श्रेष्ठ अकिंचन कंगाल। मेरा गुरुजी कंगाल थे, अब मैं भी कंगाल हूँ। मेरा पास कुछ नहीं है फिर भी हमारा साथ दुनिया हिंसा करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, मैं जो महापुरुष का पहला दर्शन किया देखने का साथ साथ ही मेरा चक्कर आ गया। क्या है क्या देख रहा हूँ? कोथाए गो प्रेममोई राधे राधे बोलते बोलते कभी दिगंबर है कुछ नहीं है। और एक दफे सानंद सुखदा कुंज में शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर भजन करते थे, शिला विमला प्रसाद सरस्वती बोल रहे हैं कि एक बार कहाँ से दौड़ लगाकर गौरकिशोर बाबा जी महाराज आए और सामने हम पर गए तो हमको मुस्कुराकर बोले, कुछ पत्थर और एक मिट्टी का ढेला और एक मिट्टी का बर्तन छोटा सा जिसको बांग्ला में भाड़ बोला जाता है, इसको हमारे हाथ में दे के बोले ये संपत्ति तुम लो तुम्हारा लिए है। हम तो ये हाथ में लेके हैरान हो गया। हमको बोला ये संपत्ति लो हमारा, ये संपत्ति तुमको दे दिया। पोपा जी रोए, बोले महापुरुषों का दर्शन महापुरुषों का जो भावना इसमें तो खुद ठाकुर जी का पहुँचना मुश्किल हो जाते। राधा रानी के अंदर में क्या भाव है ये जानने के लिए ही तो अब तो दरकार नहीं था। गौर रूप का क्या दरकार था महाराज?
राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनौ अपि देहवतम गतौ तौ। क्या दरकार था? दरकार तो नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, तमाम दुनिया हमको बोलेगे ये प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ रहा है, ये अपना प्रतिष्ठा कामिनी कंचन का पीछे दौड़ रहा है, ये हमारा ऊपर बदनामी देंगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, राधा रानी चरण का महिमा, गौरांग महाप्रभु का महिमा बताने के लिए जितना भी बदनाम हमको दे दो, हम प्रचार नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुमको जो इच्छा है भाव लो। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार के लिए तुम हमको जितना भी बदनाम करो, हम नीचे उतर आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य खराब नहीं है, चैतन्य महाप्रभु गुरुवर्ग का प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद जी ने एक दफे कैलकाटा गौरीय मठ में गौरीय मिशन में एंडरसन साहेब आए थे। एंडरसन साहेब को उनको भक्ति का भाव समझाने के लिए पहले उनका खुराक दिया गया था, ग्रैंड होटल से, ये ईस्टर्न ग्रेट ईस्टर्न होटल से थोड़ा खाना मंगाया, उसको दे दिया। इसमें गुरुजी का करेक्टर को ऊपर सारे शिष्यों का तमाम संदेह आ गया, री व्हाट्स दैट, ये क्या प्रभुपाद, उनको ग्रेट ईस्टर्न होटल से क्यों खाना मंगाया। प्रभुपाद जी ने गंभीर हो गया, कुछ उत्तर नहीं दिया। बाद में बोले, आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी। चाहे तुम हमको माला पहनाओ या जूता का महला पहनाओ या फूलों का माला पहनाओ, इसमें मेरा कोई आता जाता नहीं। आई एम सिटिंग हियर टू स्पीक ऑल अबाउट द ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, आई मीन द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी। हमारा उद्देश्य दूसरा नहीं है, अच्छा खाना, कुछ पैसा को रखना। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, मेरा गुरुजी का संपर्क से मैं भी कंगाल हूँ, और मैं भी सच्चा बता तू, भागवत छूकर मैं भी कंगाल हूँ, मेरा कुछ नहीं है संपत्ति, आप ढूंढ सकते हो। इसलिए मेरा गुरुजी भी कंगाल थे, इनके आदेश के द्वारा, वैष्णव लोगों का आदेश द्वारा प्रेरित होकर हमारा कर्तव्य बनता है, जितना हो सके दयामयी राधा रानी जी का चरण का महिमा को विस्तार करो। इसको ही बोला जाता है भक्ति प्रवर्तन, जिसको चैतन्य चरितमृत में खुल्लम खुल्ला बता दिया गया, कृष्ण शक्ति बिना नहे भक्ति प्रवर्तन। तुम प्रचार करोगे, इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा, साहस, इतना अहंकार। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बता दिया, कृष्ण शक्ति बिना नहे भक्ति प्रवर्तन। तुम भक्ति प्रवर्तन करोगे, तुम्हारा क्या आचरण है, तुम्हारा क्या आदर्श है, जिसको देख के पीपल कैन गेट इंस्पिरेशन। और किसी वैष्णव का अंदर पूरा आचार आचरण आदर्श रहे, फिर भी उसका साथ हिंसा करता है दुनिया, उसमें उनका तो कुछ नहीं होता। जो करता है वो जल के खाक हो जाता है, उसमें कुछ तो होता नहीं। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में प्रसंग आता है, मैंने तो ये भागवत का जो जयति तेधि गम जन्म है उसका थोड़ा व्याख्या करेंगे, बहुत कुछ आपका, आप लोगों का चरण का कृपा से बहुत कुछ बोलने का इच्छा होता है, लेकिन समय नहीं होता, इसलिए अधूरा रह जाता, मैं भी बहुत दुखी रह जाता हूँ। श्रीमद् भागवत जी महापुराण देखो तो दसवां स्कंद तो स्पर्श कर माना है, फिर भी वहाँ परीक्षित महाराज को शक्ति संचार किए सुखदेव गोस्वामी जी, ताकि भगवान का जो प्रेममय विलास, प्रेममय अनंत आनंदमय जो रस वर्षा, इनमें इनका भी थोड़ा थोड़ा कीपा हो जाए।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पास ने परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन रख दिया, प्रश्न रख दिया, धर्म संस्थापनार्थायो प्रसमायो इतरस्य च अवतीर्ण ही भगवान, अवतीर्ण ही भगवान, अवतीर्ण ही भगवान, भूल गया थोड़ा याद आ जाएगा, धर्म संस्थापनार्थायो परित्राण, धर्म संस्थापनार्थायो प्रसमायो इतरस्य च अवतरण ही भगवान जगदीश्वर सकथम सकथम परदाराभिमर्शनम, ये बात का श्लोक है, अभी भी बताया था, भूल गया थोड़ा याद आ जाएगा। तो ये मतलब है जो ठाकुर जी धर्म को संस्थापन करने के लिए और अधर्म को हटाने के लिए, धर्म को संस्थापन करने के लिए जिसका आविर्भाव हुआ, सकथम प्रतिम आचरत ब्राह्मण, सकथम प्रतिम आचरत ब्राह्मण परदाराभिमर्शनम, ये क्यों उल्टा आचरण किया, जितना सारे गोपियां हैं ये तो पराई का स्त्री है इसका साथ, इसका क्या मतलब है महाराज? इसको समझने के लिए आपको परमहंस गुरु वैष्णव का चरण में डुबकी लगाना पड़ेगा, इनका चरण धूलि आपका मस्तक पर परे, बुद्धि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इसका उत्तर मिले। हम दो शब्दों में कैसे उत्तर दे, लेकिन ठाकुर जी का कृपा से ये हमारा याद रहेगा, कभी समय मिले तो इसका खुल्ला खुल्ला चर्चा करें, उसमें आप देखोगे सारे जीवात्मा जितना है सबका अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजते हैं, सबका अंदर में, जो सबका अंदर में विराजते हैं, जो आप ही खुद बताते हो महाराज देयर इज वन सिंगल एंड यूनिक तत्व, देन हाउ कैन यू पुट एलिगेशन अगेंस्ट कृष्णा फुल। हमारा करा बात में दोष ना लो, आपका चरण में अपराध ना हो। वैद्य डॉक्टर कड़ा मेडिसिन देता है, करा मेडिसिन करवा मेडिसिन, उसमें आपका अगर तबीयत सही हो जाए तो वैद्य खिलेगा आनंद से, चाहे रोगी पल भर के लिए मेले को दो चार गाली भी दे दे लात लगाए, फिर भी डॉक्टर उसको पकड़ कर उसका ऑपरेशन करके उसको सही करने का प्रयत्न करते हैं, इसमें दुख नहीं है। कोई गाला गाल दे, कोई उल्टा समझे महाराज इतना करवा बात बोलते हैं, हम मीठा बोली कर सकते हैं, आपको नचा देंगे, आई डोंट वॉन्ट टू चीट यू ऑल, दैट इज माई फॉल्ट, ये मेरा दोष है, आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो दुनिया भर का प्रतिष्ठा बाय द ग्रेस ऑफ भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी आई कैन एक्वायर इन माई लाइफ, बट आई डोंट केयर हु इज गोइंग टू रेस्पेक्ट मी, हु इज गोइंग टू इंसल्ट मी, आई डोंट केयर। परीक्षित महाराज का प्रश्न था क्यों ऐसा किया, इसका जितना सुंदर उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी वो सुनने का लायक है। अभी बात होता है जो श्लोक दे के हमने सब टच करके जाता है, हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाते, क्षमा करना। अभी प्रश्न होता है श्रीमद् भागवत जी से जो हमने श्लोक गाया है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सशदत्रहि दैत दीक्षुता दीक्षुताबका तैधिता सबो स्वांग विचिन्वते। ये श्लोक का व्याख्या हो जाए तो दिल पिघल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी शब्द में पहला दो एक शब्दों का मैं व्याख्या रखू। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, नंदलाला को गोपियों ने बताते हैं, जयति ते अधिकम, जयति ते अधिकम, आपका तो जय है ही है हर वक्त, वैष्णवों का तो जय है ही है, कोई गाली दे अपमान कर उसमें क्या आता है,
उसको तो जयकारा देख के ठाकुर जी रख दिया है, तुम क्या जय दोगे उसका। इसे बोलता जयति ते अधिकम, तुम्हारा जय और जयकारा और जोर से लग गया। जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रजो, जब तक तुमने ब्रज में आविर्भाव हुए हो तब तो जयकारा क्या कहना, जयता है ही है, भगवान का नाम अच्युत है। हु इज नेवर डिस्प्लेस फ्रॉम हिज ओन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड अच्युत। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजो श्रेय 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 तो इंदिरा सशत अत्र ही, यहां जब से आप आविर्भाव हुए हो ब्रज में एकदम हंगामा मच गए, आनंद की बात, जैसे श्री श्री तमाम लक्ष्मी का जो आकर लक्ष्मी, सब तमाम लक्ष्मियों का जो आकर लक्ष्मी तत्व जिसको राधा रानी बोला जाता, हमारा ख्याल से हे नंदलाला जो आविर्भाव हुए तब से ना जाने क्यों लगता है कि ब्रज में एकदम आनंद से हिलमिल उठता है, पर्वत नदी फूल सारे दुनिया खेती बारी आनंद से डगमगा रहती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। यहां गोपियों यहां टीकाकारों ने बताया इसमें राधा रानी का जन्म हो गया। आप आज मनाया राधा रानी का जन्म राधाष्टमी, अरे राधा रानी का जन्म तो तब हो गया था, नोबडी कैन सी। राधा रानी का जन्म तब हो गया था जब कृष्ण आए, कृष्ण कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम राधा तत्व, सिंगल तत्व। लेकिन सब दुनिया को कीपा करने के लिए अलग से एक राधाष्टमी मनाया गया, राधाष्टमी। अब प्रश्न उठता है महाराज, बहुत सारे आदमी वृंदावन में टैलेंटेड, दे आर ऑल एजुकेटेड, आई मीन स्पिरिचुअली एजुकेटेड। प्रश्न करता है महाराज, कोई कोई राधा अष्टमी में पूरा उपवास करता है और गौड़िया मठ वाले 12 बजे तक करके उपिषेक करके पुष्प पत्र में, व्हाट्स द रीजन, क्या कारण है, क्या आपका क्या प्रश्न है, कोई शक आता है, कोई हमारा ऊपर कोई बदनामी देने का इच्छा होता, नहीं नहीं हम जानना चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न है तुम क्या सोचोगे, उपवास का मतलब क्या है। उपो समीपे बसती इति उपवास, तुम्हारा गुरुचरण का समीप में उपवास है ना, फास्टिंग रखते हो, ओनली फास्टिंग, खाना पीना बंद, कीर्तन बंद, सो जाओ, बस हो गया उपवास। समीप मतलब भगवत तत्व गुरु तत्व का समीप निकट रहो और संकीर्तन करते रहो, ट्राई टू से इन फ्रंट ऑफ गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव के सामने रहो, क्या भागते हो वहां, क्या करोगे तुम दरवाजा बंद करके, सामने रहो, तुम्हारा जितना गंदगी है दिल का सारे हट जाएगा। हमारा प्रश्न होता है जब गुरु जी का आविर्भाव होता है तब आप क्या करते हो, गुरु जी का पूजा का बाद आप खूब परमान्न पुष्पान्न खाते हो। राधा रानी तो आकर गुरु तत्व है, नित्यानंदो बलराम के बारे में बोलो इसका भी व्याख्या है, नित्यानंदो बलराम जो है भगवत तत्व से फर्क भी है नहीं फर्क भी है, इसलिए बलराम जी का रास है, इसका कोई भी व्याख्या हम करेंगे। प्रथम प्रकाश फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, ही इज आइडेंटिकल विथ कृष्ण एट द सेम टाइम ही इज सेवक तत्व, इसलिए इसका लिए हम नित्यानंद त्रयोदशी बलराम तत्व उपवास रखना चाहिए। किन लेकिन जे राधा रानी तत्व शक्ति तत्व का टॉप मोस्ट, गुरु तत्व का एंडिंग पॉइंट, गुरु तत्व का हाईलाइट किया जाए एक्सट्रीम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड राधा रानी। जब भी बद्ध जीव नित्यानंद बाबू को ही बलराम को ही गुरु माने, क्योंकि उसका मधुर रस में अधिकार नहीं है। लेकिन सीक्रेट बात यह है कि राधा रानी छोड़ के गुरु है ही नहीं, राधा रानी, लेकिन राधा रानी गुरु तत्व है। राधा रानी का अभिषेक करने का बाद जैसे गुरु जी का अभिषेक का बाद प्रसाद पाया जाए उसमें क्या नुकसान, शक्ति तत्व है। और जब भी हम सुबह में बताए, आई एम वेरी सॉरी आई कुडंट एक्सप्लेन यू डिटेल इन डिटेल्स,
वेदांत सूत्र से बताया था शक्ति शक्ति मतो रभेद, तो आपको क्या दिमाग में आया इस ये शब्दों के द्वारा? शक्ति शक्ति मतो रभेद, शक्ति का काज शक्तिमान का, शक्ति का साथ शक्तिमान का कोई भेद नहीं है। जब कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी उपवास कर दिया तो राधा रानी का भी उपवास हो गया, शक्ति तो उसका साथ है। ये सब कभी कोई जगह चर्चा आप सुनोगे नहीं, सुना ही नहीं, पूरा बाल पक गया। सुनने के लिए धैर्य नहीं है, सिर्फ समालोचना करता है, ये वैष्णव ये कर, ये वैष्णव ये करता है, यही काम है उन लोगों का, परा सोसाइटी का कोई काम नहीं है। रस देना चाहे गोदी में बैठकर लाठी लगाकर चले जाते हैं, चालाकी करता है। अब एक तत्व को हम व्याख्या करके हम छोड़ेंगे, महाराज जी का भी सम्मान है, इनको बोलना चाहिए। बात यह है गुरु तत्व का यूनिक फॉर्म होता है, यूनिक एक करेक्टर होता है। जब गुरु को आप धोखा देना चाहो तो ऑटोमेटिकली यू आर चीटेड। कोई कोई आदमी ये बोले गुरु धोखा दे दे शिष्य को, इसमें मेरा दुख लगता है। गुरु जी को अगर बोलो मर्सीफुल इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, तो करुणा का अंदर कभी एडल्टरेशन नहीं रह सकता, उसमें कोई उल्टा चीज नहीं रह सकता। करुणा तो भरपूर है, आपका लिए रोते हैं कि इसको इसको उद्धार किया जाए। लेकिन असली बात यह है, टीकाकारों ने व्याख्या किया, जब गुरु तत्व को आप धोखा देना चाहो, इसका श्लोक है भागवत में, जो दर्पण में जैसे अपना मुख को देखते हैं ऐसा करके देखो तो ऐसा ही देखोगे, मीठा करके देखोगे तो मीठा देखोगे। इन फ्रंट ऑफ मिरर इफ यू स्टैंड यू कैन सी एज इट इज एज यू आर शोइंग, आप जैसा दिखाओगे वैसा ही देखोगे। गुरुचरण का जो हृदय है ऐसा ही है, ट्रांसपेरेंट। इसका सामने आप धोखा देने के लिए आओगे गुरु वैष्णव के सामने, यू कैन बी चीटेड ऑटोमेटिकली। गुरु जी डोंट वॉन्ट टू चीट यू, बट इट इज योर फॉल्ट दैट यू आर चीटिंग, यू आर बींग चीटेड, इसका कारण तुम सोम। ऐसे ही है राधा रानी गुरु तत्व, ये गुरु तत्व का अंदर में एक्सीलेंसी है, जिसको व्याख्या करने जाए रस रस की वर्षा आ जाएगा। ये कभी व्याख्या होए सुनोगे, अभी तो स्केलेटन डिस्कशन, स्ट्रक्चरल डिस्कशन ओनली। उसमें राधा रानी का कैरेक्टर देखो, पूरा दुनिया बोल रहा है, तमाम दुनिया बदनाम दे है, जिसको हम शुरू किया था प्रभुपाद, तुम्हारा इच्छा है कुछ भी बदनाम कर दो, कुछ भी बदनाम कर दो। निष्किंचन भजन युक्त वैराग्य का ऐसा है, तुमने हमको टूपी पहना कर कोट पैंट शर्ट दे दो, आई कैन गो टू ब्रिटेन एंड स्पीच इन फ्रंट ऑफ दोस मेटेरियल पीपल, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। वो लोग आए तो इस वर्दी में हमारा असुविधा हो जाए, यू कैन गेट मी कोट एंड पैंट आई कैन वेयर, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। श्रील भक्ति हृदय बनोगे से महाराज को पहना है, ए, पहनो। अरे महाराज ये कैसे करे, इट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। आओ राधा रानी का प्रचार करने के लिए तुमको जूता भी खाना पड़े तो क्या, तुम्हारा तुम तो छोटा मोटा समालोचना करते हो, उसमें क्या है, बड़ा भी कर दो खून खराबा करने के लिए आ जाओ। बहुत आदमी बोला ये सब महाराज जानते हैं, जितना सारे प्रोटेस्ट किया समालोचना का उत्तर दिए, इसके लिए बोले इसको दुनिया से हटा दो, फिर भी हमारा पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई पैसा का पावर नहीं है, आओ मेरे को हटा दो दुनिया। ये लोग जानते हैं सब, खुल्लाम खुल्ला मैगजीन में बोल दिया जम द्वार में भेजेंगे, हम भेजो मैं तो है, कौन सी डर के मारे हम भाग रहा है, हमारा डरना नहीं है, हम जानते हैं ठाकुर जी मेरे को रक्षा करते हैं, ठाकुर जी मेरे को खाना देता है, अब नहीं देते हो मेरे को खाना, ठाकुर जी देते हैं, संकीर्तन करता हूं दो रोटी मिलता है, बस आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारा, तो डर किस बात की है। जिसका प्रतिष्ठा का इच्छा है, जिसका मानीचारी और कामिनी कंचन का प्रतिष्ठा का चिंता है, वो तो डरेगा, डरना खाएगा। हमारा हरिकथा कोई अपना प्रतिष्ठा नहीं है,
हमारा हरिकथा श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी गुरु महाराज, श्रील भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, या तो गुरु वर्गो का प्रभुपाद जी का गुलामी है। हम गुलामी करने बैठे हैं यहाँ, असल में आपका प्रतिष्ठा लेने नहीं बैठे। यू कैन नॉट बिलीव मी, आप विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन समडे यू विल हैव टू बिलीव। आज नहीं तो कल तुमको ये विश्वास करना पड़ेगा। आज नहीं विश्वास करो तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। श्रीमती राधा रानी कितना बदनाम लिए हैं, हैं कितना बदनाम दिए हैं, पर पुरुष का पीछे भागती है। ये बदमाश कुलचारिणी, ये बदमाश है एकदम। जोठिला कुठिला से लेकर तमाम समाज का आदमी कितना बदनाम दिया। जीवों को सही पात ये सब कहां चर्चा करें, हम तो दुख होता है, समझेगा ही नहीं। जीवों को सही पात जब स्वकीय भाव को स्थापन किया, और रूपों को सही पात जब परकीय भाव को स्थापन किए, इसको लेके हंगामा मच गया। अरे जीवों को सही पात इज नॉट इंक्लाइंड अनटू द लोटस फीट ऑफ रूपों को सही, इतना हिम्मत है। जीवों को सही के बोलते ये रूपों को सही बात का अनुगत नहीं करते। ये देखो क्या लिख दिया यहां, उसका पूरा व्याख्या सुनो तो चौंक जाओगे। भगवान श्री कृष्ण का तत्व को आपने खुद बताया, भागवत में बताया, तमाम दुनिया बताएंगे जिसके शास्त्रों का ज्ञान है। अद्वैय ज्ञान तत्व, अद्वैय ज्ञान तत्व मतलब जो दुनिया में डाइवर्सिफाइड दर्शन है आपका, कहां से आया आपका दृष्टो द्रष्टा दर्शन के बारे में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर फिलोसफी दर्शन दिए, तो चर्चा करने में तो दिन रात हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा। द्रष्टा दर्शन दृष्टि ये सब के बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा किया। जब तक आपका अंदर में अहंकार का बूद भी रहे तो अद्वैय ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित होना संभव नहीं। यू कैन डिलीवर ह्यूज अमाउंट ऑफ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसमें कुछ आता जाता नहीं। खुद साधक वैष्णव गुरु वैष्णव अद्वैत ज्ञान तत्व में सुप्रतिष्ठित है। बद्ध जीवों को लेकर प्रचार में मत जाओ, बद्ध जीवों को लेकर प्रचार में जाओ तो तुम्हारा खानदान का पूरा बदनामी हो जाएगा। प्रभुपाद जी का आदेश है कम से कम मीडिया मध्यम अधिकार को ले चलो, तुम्हारा क्या हुआ अधिकार नहीं है तो तुम ही रह जाओ। वन सिंगल मैन कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका अगर भगवान का गुरु वैष्णव का कृपा वो कर सकता, कोई गप बोलने बोलने के लिए बैठा नहीं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन बताओ, क्या गप करते हो, दुनिया भर का गल्प बताओ। प्रभुपाद जी का भक्तिमय ठाकुर का बात, तभी तो गौड़ीय प्रचार, गौड़ीय प्रचार तो तब माना जाएगा। तो जीवों को सही बात क्यों स्वकीय बात को दुनिया का सामने बचाने के लिए रखा प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बाहर में, और रूपों को सही बात क्यों परकीय भाव का जो प्रधान, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या भावना है। सब गोस्वामी लोगों ने अंतिम में तो जीवों को सही बात विश्व वैष्णव राष्ट्रवा का राजपा महाराजपात्र थे, रोया ये हमारा ये जो गोस्वामी लोगों ने जितना सारे किताब और जो सिद्धांतों का तत्व का लहर रख दिया, ये अगर तमाम ये बुद्धू दुनिया के सामने रह जाए तो ये लोग तो उल्टा सोचेगा राधा गोविंद के बारे में। इसलिए जितना सारे सीक्रेट तत्व है किताब, उसको लेके वृंदावन में समाधि दे दिया रोते रोते। ठाकुर जी ये देखने का अधिकार नहीं, जो रह गया उज्जवल नीलमणि आदि उसको भी स्पर्श करना सख्त माना है, लेकिन सारे आदमी व्यभिचार में लगा हुआ है, सब अपना स्वार्थ लूट रहा है। गुरु को गुरु वैष्णव को सामने रखकर सब अपना लूट रहा है अपना स्वार्थ को। ये प्रचार नहीं है, प्रचार इसको नहीं बोला जाता है। प्रचार तो वो है जिसका सामने आप फेस करोगे तो आपका दिल में धक्का लगे। सम सॉर्ट ऑफ इवोल्यूशन मस्ट बी देयर इन योर हार्ट, क्या हो रहा है, क्या सुन रहा है, जिंदगी में सुना नहीं कभी। प्रभुपाद का बात ऐसा ही इवोल्यूशन है। सारे दुनिया मेरा एगेंस्ट चले जाए उसमें कोई मेरा परवाह नहीं है। वो गुरु जी का प्रभुपाद जी का वही तत्व को हम बताएंगे, वेदर यू लाइक मी और डोंट लाइक मी आई डोंट केयर। इवन ए सिंगल मैन कैन अटेंड माय हरिकथा, इफ कैन एक्सेप्ट देन माय प्रीचिंग इज सक्सेसफुल आई थिंक।
मेरा गुरुजी को बहुत आदमी बोलते हैं, गुरुजी महाराज जी आप इतना लिखते हो कौन आदमी पढ़ता है। गुरुजी हंस के बोले, मैं तो इसलिए नहीं लिखता हूं कि दुनिया का आदमी मेरा सम्मान करे। प्रभुपाद जी ने कलम दिए लिखना के आदेश किए, एक भी आदमी हमारे दुनिया में मेरा लेखा को पढ़े तो मैं सार्थक मानता हूं। तो राधा रानी जी ने कैसे वंचित किए दुनिया को, इसका बारे में चर्चा करने का टाइम नहीं है, महाराज जी का हरिकथा का टाइम है। कभी अगर समय मिले, ठाकुर जी समय दे, आप लोगों का चरण का कृपा हो, तो आई प्रॉमिस यू आई कैन डिस्कस ऑल अबाउट इट, नॉट ऑल सॉरी आई कैन पर्सियली आई कैन डिस्कस ऑल, बोलने से अहंकार हो जाता है। बांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतिता पावन भ वैष्णवेभ्यो नमो।